सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ा राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा। जिवें कि थानू पता है कि पार्लियामेंट का मानसून सैशन चल रहा है। इस सैशन दे विच मैं पंजाब दे हकां खातिर केंद्र सरकार नाल सीधा मत्था लाया ते 3 करोड़ पंजाबियों का नुमाइंदा होने के नाते केंद्र सरकार अगे पंजाबियों की आवाज डट के बुलंद की। अज थोड़ा अरदास पार्लियामेंट दे विच एक बार फिर पंजाब अते देश दे किसानां दे हक्कां खातिर राज्यसभा दे विच बोलूंगा। पिछले साल जदों साडे किसानां ने काले कानूनां दे खिलाफ मोर्चा खत्म किया सी, उदों केंद्र सरकार ने सानूं वादा किया सी कि एमएसपी नूं लीगल गारंटी, कानूनी गारंटी दित्ती जावेगी। बड़े दुख दी गल है कि केंद्र सरकार अपने वादे तो अज मुकर गई। मैं अज पार्लियामेंट दे विच एमएसपी नूं किसानां दा कानूनी अधिकार बनाउण लई प्राइवेट मेंबर बिल पेश करन जा रहा। इस बिल दे राही मैं राज्यसभा दे विच एमएसपी नूं कानूनी गारंटी, लीगल राइट होवे, इस मुद्दे नूं रखण जा रहा ते अज इस प्राइवेट मेंबर बिल नूं पेश करांगा। हुण मेरा यह बिल पार्लियामेंट दे विच इंट्रोड्यूस होवेगा तां सरकार नूं मजबूरन इस मुद्दे नूं राज्यसभा दे विच रखना पवेगा। नाल दे नाल एमएसपी दा हक लैण दी साडी लड़ाई नूं एक क्रांतिकारी जित मिलूगी। मैनूं तुसीं जिन्ना प्यार दित्ता, मैं कदे भी उस प्यार दा मुल नहीं उतार सकता, लेकिन मैं सौं चुकदा हां कि 3 करोड़ पंजाबियों दे हकां दी लड़ाई अंतिम सांस तक लड़दा रहांगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।